नेक्स्ट एक सेकेंड बेटा, ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट लिखोगे बाय द एक्शन ऑफ, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय द एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड एच आई। अंकुराती को रहता नहीं नहीं आए कोई बात नहीं, अब क्या करें हम, ठीक है ना। मैसेज करवा दीजिए सर। लिखोगे तो बाई द एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड एच आई। तुम लोग ग्रुप में मैसेज डाल दो जो लोग नहीं आए कि उनका पार्टिकुलर नाम लिख लिख के कि तुम लोग ज्वाइन करो क्लास को, ठीक है। रेड फॉस्फोरस और एच आई से हम लोग कैसे करवाते हैं इसको समझना। देखो रेड फॉस्फोरस और एच आई जो होता है वो कॉमनली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इट इज अ सोर्स ऑफ नेसेंट, सोर्स ऑफ नेशेंट हाइड्रोजन, है ना। क्या होता है सोर्स ऑफ नेशेंट हाइड्रोजन? होता है नेशेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और किसी को भी हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करा सकते हैं। और किसको किसको इससे रिड्यूस कर सकते हैं वो सब हम लोग सीखेंगे अभी एक एक करके, ठीक है। आप लोगों को ये भी पता है कि जो नेशेंट एटम्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, बहुत जल्दी से रिएक्शन करते हैं। यस सर। कोई भी नेशेंट एटम हो, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी नेशेंट एटम होगा दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो होता है क्या है कि जो एच आई होता है हम लोगों के पास में, इसका दो मोल सबसे पहले रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बेटा, आई टू बनाते हैं और टू मोल्स ऑफ नेशेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। एच आई क्या करेगा, आई टू बनाते हैं और टू मोल्स ऑफ नेशेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया। और रेड फॉस्फोरस का काम क्या होता है, रेड फॉस्फोरस क्या करता है, जो आई टू बनता है उसके साथ में रिएक्शन कर लेता है फॉस्फोरस, है ना। उसके साथ में रेड फॉस्फोरस रिएक्शन करेगा क्या बनाता है, वो बनाता है पी आई थ्री। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फॉस्फोरस अगर रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन क्या करेगा, ओवरऑल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। इक्विलिब्रियम तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े भाई, इक्विलिब्रियम पढ़े हो कि अगर हम लोग यहाँ से इसको कम करते जाओ, इसको अगर कैसे भी खत्म करते जाओ तो ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। यस सर। आपको नेशेंट हाइड्रोजन मिलता है वो चला जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? एक अच्छी बात यह होती है कि जो पी आई थ्री बनता है हम लोगों के पास में, वो पी आई थ्री क्या करता है, अगर उसको कहीं ना कहीं से वाटर मिल जाए तो वाटर के साथ में रिएक्शन करके वो बनाता है एस थ्री पी ओ थ्री प्लस एच आई प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है ना। तो फिर से हम लोगों को एच आई मिल गया, फिर से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से हम लोगों को क्या मिल गया, एच आई मिल गया। तो हम लोग मतलब एच आई क्या हो गया, रीजनरेट हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, एच आई क्या हो गया, रीजनरेट हो गया, ठीक है। अब इससे हम लोग कहाँ कहाँ किसका किसका रिडक्शन करवा सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे किसका रिडक्शन करवा सकते हैं, अल्कोहल का। अल्कोहल जानते हो, अल्कोहल जानते हो कि नहीं? अल्कोहल क्या होगा हम लोगों के पास में, आर ओ एच, ठीक है। क्या होगा हम लोगों के पास, आर ओ एच। तुम लोग क्या कर दो बेटा, इसमें एच आई और रेड फॉस्फोरस ऐड कर दो। क्या करा दो इसमें तुम लोग, रेड फॉस्फोरस एंड एच आई, ठीक है ना। तो क्या होता है इस रिएक्शन में, दो नेशेंट हाइड्रोजन यूज में आता है। एक हाइड्रोजन क्या करेगा, ओ एच के साथ में रिएक्शन करके एज ए वाटर निकल जाता है और दूसरा हाइड्रोजन क्या होगा, इसके पास में जाके ऐड हो जाता है, एज आर एच बन जाता है, ठीक है ना। तुम तो लोगों को मिलता क्या है, वी गेट आर एच प्लस वाटर। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, ठीक है ना। एक नेशेंट हाइड्रोजन वाटर को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, दूसरे जाके ऐड हो जाएगा तो आर एच हम लोगों को मिलता है। ऐसे तुम लोगों के पास कोई भी अल्कोहल होगा, वट एवर इट इज, आप लोगों के पास सी एच थ्री ओ एच होगा, तो सी एच थ्री ओ एच को तुम लोग सेम रिएजेंट यूज करके सी एच फोर में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास में सी एच थ्री सी एच टू ओ एच होगा, तुम लोग उसको क्या कर सकते हो बेटा, उसको तुम लोग सी एच थ्री में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी वट एवर द एल्कोहल इज, हम लोगों के पास में ओ एच हटेगा, एच आ जाएगा, सिंपल सा रिएक्शन होता है। तो एल्कोहल्स होंगे विद द हेल्प ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड एच आई कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत किसी को है क्या? नहीं है। सेम इज ट्रू विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑल्सो। हम लोगों के पास में क्या है बेटा, एल्डिहाइड अगर हम लोगों के पास में है उनको भी हम लोग रिड्यूस करा सकते हैं, या कीटोन हम लोगों के पास में है उनको भी हम लोग रिड्यूस करा सकते हैं, ठीक है ना। देखो रिएक्शन क्या होता है, सीक्वेंस में चलता है। मान लो तुम्हारे पास में क्या होगा, एल्डिहाइड कैसा होगा, आर सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एच। तुम लोगों ने क्या किया, रेड फॉस्फोरस और एच आई डाल दिया, ठीक है। तो यहां से कितना नेशेंट हाइड्रोजन मिलेगा, दो नेशेंट हाइड्रोजन,
ठीक है, पहले क्या होता है, सबसे पहले दो नेचुरल हाइड्रोजन एक यहाँ पे जाके ऐड होता है और एक इस कार्बन के पास में, तो सबसे पहले क्या मिलेगा हम लोगों को, एल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। फिर से तुम लोग इसमें रेड फॉस्फोरस अगर यूज कर लो तो दो नेचुरल हाइड्रोजन फिर से मिल गया इसको, दो मिलते इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आर सी एस थ्री प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, वाटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, सिंपल सा रिएक्शन आपको ये समझना है कि R ये वाला जो हम लोगों के पास था आर सी एच ओ, आर सी एच ओ इज कन्वर्टेड इन टू आर सी एस थ्री, है ना, सेम विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम हम लोगों को एल्केन बना देना है। समझा मैं क्या बोला, विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम लोगों को क्या कर देना है, एल्केन का फॉर्मेशन कर देना है। मान लो तुम लोगों के पास में सी एस थ्री सी एच ओ होगा, तुम लोग क्या करोगे रेड फॉस्फोरस यूज करोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, सी एस थ्री में कन्वर्ट होगा। मैं एक ही बार में लिख सकता हूँ कितना नेशन हाइड्रोजन यूज हुआ, चार हो गया, कितना यूज हो रहा है यहाँ पे टोटल नेशन हाइड्रोजन, कितना यूज हो रहा है, दो इधर हो रहा था, चार होंगे दो इस वाली में, दो नेक्स्ट वाली में, नेशन अच्छा है ना। तो एच आई का कितना मूल चाहिएगा, फोर मूल्स ऑफ एच आई चाहिएगा, फोर मूल्स ऑफ एच आई चाहिएगा। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि फोर मूल्स ऑफ एच आई जो होगा वो क्या करेगा, टू मूल्स ऑफ आई टू प्लस फोर मूल्स ऑफ नेशन हाइड्रोजन दे देगा और आसानी से हम लोगों को ये मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? सेम इज ट्रू विद कीटोन्स आल्सो, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा जो लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। सेम इज ट्रू विद कीटोन्स आल्सो, अगर हम लोगों के पास कोई भी कीटोन है तो कीटोन क्या होगा हम लोगों के पास में, आर सी डबल बॉन्ड आर, ये आर वन होगा ये आर टू होगा। तुम लोगों ने क्या किया, रेड फॉस्फोरस और एच आई डाल दिया, रेड फॉस्फोरस एच आई का मतलब कितना नेशन हाइड्रोजन पहले स्टेप में मिलता था, दो। क्या होगा वही एल्डिहाइड कीटोन की तरह, एल्डिहाइड की तरह एक एक जाके ऐड हो गया, एक एच इसके पास में और एक एच इसके पास में जाके। क्लियर है सभी को बेटा? क्या बना हम लोगों को, मिला आर सी एच ओ एच, यहाँ पे क्या हो गया बेटा आर टू। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता था बेटा, यह हम लोगों को मिलता था प्राइमरी एल्कोहल, क्या मिलता था हम लोगों को प्राइमरी एल्कोहल। ये तुम लोगों के बहुत काम आएंगी चीजें, अभी स्टेप बाई स्टेप लोग चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। आप लोगों को आगे चल के समझ भी आएगा कि मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको तुम जब रिड्यूस करवाओगे तो क्या देगा, वो एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड को रिड्यूस करने से क्या मिलता है हम लोगों को, प्राइमरी एल्कोहल मिलता है हमेशा, ऑलवेज प्राइमरी एल्कोहल, कभी सेकेंडरी एल्कोहल नहीं मिल सकता। लेकिन जब कीटोन को हम लोग इसमें फिर से तुम लोग दो नेशन हाइड्रोजन डाल दोगे तो क्या बनेगा बेटा तुम लोगों को, आर वन सी एच टू आर टू, ये मिलेगा ना, प्लस वाटर निकल जाएगा। तो एल्केन तो यहाँ पे ही बनना है ना। लेकिन जो एल्कोहल मिलता है वो मिलता है हम लोगों को कैसा, कीटोन से हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल ही मिलता है। अगर हम लोग रिडक्शन करवाएंगे कीटोन का तो वी गेट टू डिग्री एल्कोहल। रिएक्शन को समझने में किसी को कोई समस्या हो तो मुझे तुरंत बता देना बेटा ना, जहां पे भी कोई दिक्कत आती है, ठीक है। पंद्रह में क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है यहाँ तक का रिएक्शन, ठीक है। मेरे पास में कोई भी कीटोन रहा होगा, कोई भी कीटोन रहा होगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, इसमें तुमसे मुझे जा रेड फॉस्फोरस और एच आई हम लोग डालेंगे, क्या बनेगा तुम्हारा, सिंपल सा आंसर होगा कि सर जो हम लोगों को मिलने वाला प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। वो क्या मिलेगा हम लोगों को, एल्केन प्लस में क्या निकल जाएगा, प्लस में निकल जाएगा वाटर, है ना, रेड फॉस्फोरस एच आई। अब तुम्हें यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है उसे इतना याद रखना है कि रेड फॉस्फोरस एच आई एल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट कर सकता है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते है, कीटोन को कर सकते है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर तुम लोगों के पास में साइनाइड्स है, साइनाइड क्या होता है बेटा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, साइनाइड क्या होता है, धनंजय वीडियो ऑन करके रखो, साइनाइड क्या होता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, आर सी एन होता है ना। अगर तुम लोग आर सी एन में भी रेड फॉस्फोरस एच डाल दो, आरसीएन का रिएक्शन किससे करवा दो बेटा, रेड फॉस्फोरस एच आई से, इसमें डाल दो तुम लोग रेड फॉस्फोरस प्लस एच आई, यहाँ से भी क्या मिलेगा नेशेंट हाइड्रोजन हम लोगों को मिलता जाएगा सूटेबली, जितना आपको चाहिए। तीन तीन बॉन्ड है, तीनों तीनों को तोड़ दोगे तो कितना चाहिए बेटा, छह चाहिए, है ना। क्या मिल जाएगा तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ से मिल जाएगा आर सी एस थ्री प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, प्लस एन एस थ्री। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है सभी को?
अगर तुम लोगों के पास में बेटा क्या हो, आइसोसाइनाइड हो, तुम लोगों के पास क्या होता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड क्या होता है आर एन सी, आर एन सी, इसमें तुम लोग डाल दो बेटा रेड फॉस्फोरस और एच आई, तो ये मिलता है हम लोगों को आर एन एच सी एस थ्री में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होगा आर एन एच सी एस थ्री, हमें क्या मिला बेटा, हमें मिला क्या, हमें मिला टू डिग्री अमीन से ना सेकेंडरी अमीन मिलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। अगर मेरे पास है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों के पास में है, तो नोट करके आप लोग लिखोगे कि रेड फॉस्फोरस एंड एच आई इज नॉट सच अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, that can reduce carboxylic acids. चंद्रा क्या कहने का मतलब है बेटा, कहने का मतलब ये कि रेड फॉस्फोरस और एच आई जो होगा दैट कैन नॉट रिड्यूस, इसको बेटा रेड फॉस्फोरस एंड एच आई नॉट रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना, ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ इतना समझना है, मैं एक सिंपल लाइन में लिख देता हूँ, सुनो पहले, तुम्हारे पास में क्या होगा बेटा आर ओ एच होगा, तुम्हारे पास में क्या है आर सी एच ओ है, तुम्हारे पास में क्या है मतलब जल्दी से तुम्हारे पास में क्या है बेटा आर ओ एच आर सी एच ओ, बेटा एक यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया हूँ के ऊपर साइनाइड, इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ मैं, यहाँ पे जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हम लोगों को अमीन मिलता है बेटा आर सी एस टू एन एस न के एल, ठीक है ना, ये हम लोगों को मिलता है आर सी एस टू एन एस टू और आइसोसाइनाइड से मिलता है आर एन एच सी एस थ्री, ठीक है ना, वन डिग्री अमीन और टू डिग्री अमीन मिलता है, यहाँ मिलता है हम लोगों को क्या वन डिग्री अमीन और यहाँ हम लोगों को मिलता है टू डिग्री अमीन, ठीक है ना, मेरे पास एल्डिहाइड है, मेरे पास में क्या होगा कीटोन, इन तीनों में तुम लोग क्या करोगे बेटा रेड फॉस्फोरस और एच आई अगर डालते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जल्दी से बताओ, यू विल गेट एल्केन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम मतलब जितना रिएक्टेंट के पास में था उतना ही किसके पास में होगा प्रोडक्ट के पास में होगा, और रिएक्टेंट अगर एक कार्बन का है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा एक ही कार्बन का होगा, ठीक है ना, अगर तुम लोगों के पास में बेटा आर सी एन या फिर आर एन सी है, यहां तुम लोगों को मिलता है आर सी एस टू एन एस टू वन डिग्री अमीन, यहां तुम लोगों को मिलेगा आर एन एस सी एस थ्री टू डिग्री अमीन, अगर तुम लोगों के पास में आर सी ओ एच है उससे हम लोगों को कोई रिएक्शन नहीं मिलता, क्लियर है सबको, इतना याद रखोगे तो भी सारा का सारा काम जो ऊपर लिखा है वो सब यहाँ यहीं पे मैंने समाप्त कर दिया, ठीक है ना, अब पीछे से लिखना है सभी को कि लिख लिया तुम लोगों ने, लिख लिया सर, कितने लोग हैं जिनको लिखना है, अंकुर वीडियो ऑन करके रखो, अंकुर धनंजय, धनंजय बेटा वीडियो ऑन करके रखो तुम, लिखना है तुम लोगों को, धनंजय को वॉइस आ रही है मेरी, लग रहा है क्लास बंद करके चला गया, धनंजय क्लास में हो तुम,
नहीं सर, नहीं है ना क्लास में? सभी का कॉपी हो गया यहाँ तक? यस सर। और ये वाला पार्ट? देखो किसका एक रिएक्शन शायद तुम लोग पढ़े हो, ग्लूकोज जानते हो क्या होता है? यस C6H12O6। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। इसके पास में कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है। वैसे शायद लिखे होगे तुम लोग ग्लूकोज को CHO लिखे हो कि नहीं? यस सर। कितना लाइन? चार। CH2H OH OH H OH ऐसे ना? ऐसे होता है ग्लूकोज, ठीक है ना? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। मैं तुमसे बोलूं इसमें मैंने रेड फॉस्फोरस और HI डाल दिया तो क्या बनेगा? इसमें अगर मैं रेड फॉस्फोरस और HI डाल दूं तो क्या बनेगा बेटा? पढ़े हो कि नहीं पढ़े इसके बारे में? चलो ये बताओ ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा? सबको पता है एल्केन में? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। बाकी जितने भी कार्बन पे उसमें कौन सा वाला ग्रुप है? एल्कोहल। एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा? एल्केन। मतलब सब कुछ एल्केन में कन्वर्ट होना है? सर हेक्सेन बनेगा। तो कितने कार्बन का मिलेगा तुम लोगों को? तो फिर क्यों शर्मा रहे थे बोलने में? टेनाक्जियन मिलता है, ठीक है ना? Yes. और एनहेक्जेन का मिलना ये भी प्रूफ करता है कि जो ग्लूकोज होता है दैट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यों होता है, ऐसा ही क्यों बनाते हैं हम लोग? अरुण तुम दूसरा आईडी से एंटर कर रहे हो, अरुण नहीं है क्लास में, ठीक है? तो ये भी प्रूफ करता है जो रिएक्शन मैंने लिखा है कि ग्लूकोज इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। और मैं में क्या बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़े होगे ना ग्लूकोज का एक तो सिंपल स्ट्रक्चर पढ़े होगे, एक हेमिएसिटल पढ़े होगे, एक प्यूरानोज पढ़े होगे, स्ट्रक्चर पढ़े होगा ना? प्यूरन पायरानोज स्ट्रक्चर पढ़े होगा ना? फ्रक्टोज प्यूरानोज है ना? तो पायरानोज क्यों बनाते हैं हम लोग, हेमिएसिटल क्यों बनाते हैं, और ये सिंपल वाला स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग को यहाँ से मिलती हैं, वो सब तुम लोग पढ़े हो, ठीक है सर? चलो यहाँ तक ये रिएक्शन समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। अब तुम्हारे एनसीईआरटी का जो तुम लोग रिएक्शन पढ़ के आए उससे पहले उस पे आते हैं। नेक्स्ट लिखो बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या लिखोगे? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और जिन लोगों ने रिएक्शन पढ़ा है वो बताओ क्या होता है इस रिएक्शन में? जो आप लोग रिएक्शन पढ़ते हो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इस हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन में, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, इस वर्ड का मतलब क्या है? हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ना? यस सर। इस हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है H2 ऐड करना, H2 का एडिशन। सबको समझ में आता है ये बात? यस। H2 का एडिशन इज हाइड्रोजनेशन। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? यस सर। है ना? यहाँ पे हम लोग कौन से वाले रिएजेंट यूज करते हैं, कौन से वाले मेटल्स हम लोग यूज करते हैं इन जनरल? प्लैटिनम, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम ना? यस। इन जनरल ये वाले मेटल्स यूज किए जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है ना?
बट जो जनरली रिएक्शन होता है वो इस रिएक्शन के अगर मैं प्रॉपर्टीज लिखूं तो ये रिएक्शन कैसा होता है बेटा? सबसे पहले इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. कैसा होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. रिएक्शंस कौन कौन देता है? जनरली एल्कीन और एल्काइन को देगा. यानी हम लोग किस पे करवाएंगे बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे रिएक्शन करवाते हैं. ठीक है ना? तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये रिएक्शन जो होता है इट फॉलोज फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. किसको फॉलो करता है बेटा? फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. कैसे वो मैं बात करूंगा अभी. फोर MCTS को फॉलो करता है. MCTS मतलब फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. लिख लेना जिनको भूल जाए कि MCTS मतलब क्या है. मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है ना? मैंने स्टार्टिंग में फोर लिखा है तो किसको फॉलो करता है? फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है ना? एंड सिक्स मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. अब कब सिक्स मेंबर को फॉलो करेगा, कब फोर मेंबर को फॉलो करेगा, इसकी बात हम लोग करेंगे. फन मारे कि नहीं आ रहा? Yes. देखो होता क्या है रिएक्शन में. मान लो तुम लोगों के पास में ऐसा होता CH2 डबल बॉन्ड CH2. तुम लोगों ने क्या किया? ऐड किया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? निकल. है ना? किसके प्रेजेंस में ऐड कर दिया बेटा? निकल के प्रेजेंस में ऐड कर दिया. ठीक है? तो रिएक्शन बहुत बेसिक सा है. आप लोग क्या कर सकते हो? एक H को इस वाले कार्बन पे ऐड कर सकते हो और एक H को इस वाले कार्बन पे ऐड कर सकते हो. ऐसा ऐड करने से तुम लोगों को क्या मिलेगा बेटा? CH3CH. एल्केन तुम लोगों को मिलेगा. सिमिलरली मेरे पास में एल्काइन होता CH3CH. इसमें तुम लोगों ने H2 ऐड किया होता. किसके प्रेजेंस में बेटा? निकल की प्रेजेंस में. तो कितना H2 चाहिए होता है ये बताओ? यूनिट 2H2. क्योंकि अभी आपको 2H यहाँ पे ऐड करना है और 2H आपको यहाँ ऐड करना है. टोटल H कितना चाहिए? 4 का अंदर 2H2 चाहिए ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम लोगों को क्या मिल गया बेटा? CH3 मिल जाता. आया ना? मान लो तुम्हारे पास में कोई साइक्लिक कंपाउंड होता है ऐसा कुछ, तुम लोगों ने यहाँ पे H2 ऐड कर दिया तो क्या बनेगा? निकल की प्रेजेंस में या प्लेटिनम की प्रेजेंस में या पैलेडियम की प्रेजेंस में तो क्या बनता है बेटा? ऐसा कुछ करो साइक्लोहेक्सेन मिल जाता. सिंपल सा रिएक्शन है. एल्कीन क्या होता है? एल्केन में कन्वर्ट होता है. एल्काइन क्या होता है? वो भी एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर. ठीक है. बट ये रिएक्शन जो हो रहा है हम लोग किसके सरफेस पे करवा रहे हैं? हम लोग मेटल यूज कर रहे हैं ना. देखो रिएक्शन जो होता है, अब ठीक से सुनना तुम लोग. रिएक्शन टेक्स प्लेस एट मेटल सरफेस. कहाँ होता है रिएक्शन? मेटल सरफेस पे होता है. ठीक है ना? अब थोड़ा सरफेस केमिस्ट्री याद करो तुम लोग. मैं तुम लोगों को हेट्रोजीनियस कैटालिसिस करवाया था ना. हेट्रोजीनियस कैटालिसिस ना आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं जो बोलूंगा उसको सुनोगे तो ठीक से समझ में आएगा. ठीक है ना? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या होता है कि जो हम लोगों के पास रिएक्टेंट है और कैटालिस्ट है उसका अगर स्टेट क्या हो अलग अलग हो. जैसे निकल क्या है? सॉलिड है. रिएक्टेंट्स क्या है? हम लोगों के पास हाइड्रोजन क्या है? गैस है. ना लोअर एल्केन्स एल्काइन्स क्या होते हैं? वो भी गैसेज होते हैं. एल्कीन एल्काइन्स लोअर क्या होते हैं? वो भी गैसेज होते हैं. है ना? तो गैसेज का रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? मेटल सरफेस पे हो रहा है. किस पे हो रहा है बेटा? गैसेज का रिएक्शन क्या होता है? मेटल सरफेस पे होता है. ठीक है ना? अब मेटल सरफेस पे रिएक्शन होने का मतलब क्या होता है? अगर तुम लोगों को याद हो तो मैं क्या बोला था कि मेटल क्या करता है बेटा? अपना सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शन. मेटल क्या करता है? अपना सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शन. मेटल क्या करेगा बेटा? अपने सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कर लेता है. किसको एडजॉर्ब कर लेगा? हाइड्रोजन गैस को. ना तुम लोगों को पता हो कैटलिस्ट क्या होता है? इसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ. कैटलिस्ट क्या होता है इसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ. तो ये निकल जो है वो कैटलिस्ट ही है. ये क्या करता है बेटा? सबसे पहले कि हम लोगों के पास में एक मेटल सरफेस होता है बेटा, ये क्या कर लेता है? अपने सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कर लेगा. किसको एडजॉर्ब कर लेगा? बोलो जल्दी से. किसको एडजॉर्ब किया इसने? हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लिया. ठीक है ना? समझाया मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत नहीं? नो सर. अब क्या किया तुम? क्या कर रहे हो बेटा? एल्कीन का रिएक्शन करा रहे हो. तो एल्कीन क्या करेगा बेटा? जैसे इस मेटल के कॉन्टेक्ट में आएगा तो एल्कीन कैसा होगा? ऐसा कुछ R1CH ऐसा कुछ होगा बेटा. ठीक है ना? अब तुम लोगों को पता है कि वैसे तो गैसेज आपस में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते नहीं है. गैसेज को कॉन्टेक्ट में आने के लिए कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म चाहिएगा, कुछ ना कुछ सरफेस चाहिएगा. समझ आ रहे ना?
ऐसा कुछ मान लो कि तुम लोग पार्क में घूमने गए, वहां तुम्हारी किसी से बात बात हो गई, शादी वादी हो गई, ऐसा कुछ प्रोसेस है। समझ आ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो बेटा कुछ ना कुछ जगह चाहिए ना मिलने के लिए, कैसे जाके मिल लोगे? तो वो ये कि अपना कैटलिस्ट क्या कर रहा है, अपना सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेगा। अब जो एल्कीन है या एल्काइन है वो जाके क्या कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है ना। H2 तो कुछ ऐसे फॉर्म में होगा स्टार्टिंग में, है ना? अब क्या करेगा, जैसे ये दिखेगा तो ये क्या करेगा बेटा, इसको अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा। ये दोनों बॉन्ड जो है इसको अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा, अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। हम लोगों को क्या मिलता है बेटा, एक ट्रांजिशन स्टेट। हम लोगों के पास में क्या होगा, CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे R2, यहाँ पे R1, बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ था, H, एक दूसरा H इधर था। अब इनके बीच में क्या होगा बेटा, ये आपस में कुछ ऐसा एक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। कितने मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट है बेटा, 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दिख रहा है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ या ना? यस सर। क्या बना, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और ये 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और ये जो होगा एज अ प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ से निकल जाएगा। आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, R1 CH2 CH2 R2 मिलेगा ना। रिएक्शन का कोई खास मैकेनिज्म नहीं होता, यही मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन है। क्या होगा, मेटल सरफेस क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेगा, एल्कीन या एल्काइन वहां पे क्या करेगा, रिएक्शन करने चला जाएगा, प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो लोगों ने नोट कर लिया जितना मैंने लिखा है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनता है वो क्लियर है। अंकुर तुमने लिख दिया सर, लास्ट वाला लिखना है बस, लिखो मेरे को भी लास्ट वाला लिखना। हो गया सर, हो गया यस सर। ठीक है बेटा, अब देखो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे रिएक्शन को फास्ट करने के लिए या उसको स्लो करने के लिए इसका क्या करते हैं, पॉलिशिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं इसका, तुम्हारे में क्या बोल रहा हूँ, क्या करवाएंगे इसका, पॉलिशिंग करवाते हैं, है ना, या पॉलिशिंग करते हैं। अगर आप लोग पॉलिशिंग किससे करते हो बेटा, अगर आप लोग इसका पॉलिशिंग करते हो बताओ किससे करें, जिससे इसका क्या बोलते हैं जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाए। अगर आपने पॉलिशिंग किया किसका था बेटा, ग्रेफाइट के साथ में, किसका था किया, ग्रेफाइट के साथ में पॉलिशिंग किया, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट साथ में पॉलिशिंग करने से क्या होता है बेटा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो हो जाता है बढ़ जाता है। क्या होगा, एंड बढ़े, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या करता है, इंक्रीज कर जाते हैं, जिसका मतलब क्या होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाँ या ना। इसका मतलब क्या होगा, जो एफिशियंसी ऑफ द रिएक्शन होगा वो कैसा हो जाता है, एफिशियंसी ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो आपको इतना समझना है कि अगर हम लोग पॉलिशिंग किससे करवा देंगे, ग्रेफाइट से, तो एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। यहीं पे हम लोग पॉलिशिंग किससे करवाए होते बेटा, BaSO4 से, किससे करवाए होते हम लोग, BaSO4 या फिर CaCO3, किससे करवा देते हम लोग, BaSO4 या CaCO3 से हम लोग करवा देते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है वो कम हो जाता है, BaSO4 या फिर CaCO3 से हम लोग करवाएंगे तो बेटा क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उन लोगों से छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तब मैं बताऊंगा इसके बारे में थोड़ी सी चीजें। तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा बेटा कि मान लो तुम्हारे पास में CH CH3 है ना, तुम लोगों ने इसमें H2 ऐड किया है, क्या ऐड किया बेटा, H2
निकिल और कार्बन की वैलेंस में, निकिल सी में लिख रहा हूँ मतलब ग्रेफाइट लिख रहा हूँ ना, कार्बन मतलब ग्रेफाइट, ठीक है ना, समझा रहे हैं बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, निकल और साथ में क्या है ग्रेफाइट, दूसरे हम लोग लिए होते पीडी और साथ में क्या लिए होते हम लोग बीएचओ फोर, तो पहले वाले रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिलता है, सी एच ट्रिपल बोन सी एच में हम लोग एच टू एड किए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल अलॉन्ग विद ग्रेफाइट, पॉलिशिंग किससे करवाया गया, ग्रेफाइट से, कार्बन से करवाया गया, और उन वीडियो ऑन कर लो, और दूसरा रिएक्शन दूसरा पार्ट है पीडी अलॉन्ग विद बीएचओ फोर डाला गया, तो पहले डीएम के साथ में क्या कर दिया बी एस ओ फोर डाल दिया, चलो नहीं पहले वाले रिएक्शन का आंसर बताओ, दूसरा पे याद रख लिया वैसे, क्या बनता है यहाँ क्या बनता है बेटा, यहाँ बनता है सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री, ठीक है, यहाँ क्या बनता है सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री बनता है, पी डी बी एस ओ फोर डालोगे तो यू गेट सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू, यहाँ पे क्या मिलता है हम लोगों को एल्कीन मिलता है, और यहाँ हम लोगों को मिलता है क्या एल्केन, ऐसा क्यों मिला बेटा, क्योंकि बी एस ओ फोर को डालने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो गया कम हो गया, एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा, बी एस ओ फोर क्या कर देगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को कम करा देता है, तो जो एल्काइंस होते हैं दे कैन बी रिड्यूस टू एल्कीन ओनली, ठीक है ना, एल्काइन कहाँ तक कन्वर्ट हो पाता है एल्कीन तक कन्वर्ट हो पाता है ना, अगर तुम लोगों को पता हो थोड़ा सा पढ़े हो ठीक से, तो पी डी और बी एस ओ फोर को हम लोग किस नाम से जानते हैं दीप्ति, क्यूनोलिन शायद, धनंजय किस नाम से जानते हैं, अब कुछ याद आया, यस सर, फिलिन लार्ज कैटलिस्ट है ना, आपको टीचर ने सिखाया होगा इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइन प्रोडक्शन का, और डी अगर हाइड्रोजनेशन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ पीडीएसओ4 कंट्रोल्ड क्या होता है हाइड्रोजनेशन होता है और एल्काइन इज कन्वर्टेड इनटू एल्कीन ओनली, पीडी और बीएसओ4 को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, लिंडार्स कैटलिस्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लिंडार्स कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, एल आई एन डी एल ए आर एस, ठीक है, लिंडार्स कैटलिस्ट, ठीक है, क्लियर है सर, BSO4 ना होता तो CaCO3 भी हो सकता था, समझा रहे कि नहीं, निकल के साथ में मैं CaCO3 डाल सकता हूँ, जो मेटल्स ऊपर मैंने लिखा है प्लेटिनम पैलेडियम और तीसरा क्या लिखा था निकल लिखा था, उनके साथ में आई कैन यूज BSO4 और CaCO3, समझ में आया कि नहीं आया, यस सर नो सर, यस यस सर, सभी को क्लियर है यहाँ तक कहानी, यस सर, ठीक है सर, ठीक है, ये जो PD और ये जो BSO4 और CaCO3 है इनको हम लोग बोलते हैं पॉइजनस कैटालिस्ट, इनको हम लोग क्या बोलते हैं पॉइजनस कैटालिस्ट भी इनको हम लोग बोलते हैं, पॉइजनस कैटालिस्ट क्या होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करा दे है ना, जो एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन को क्या कर दे कम करा दे, समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक, यस सर, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है ना, yes. ठीक है, कॉपी कर लिए पूरा इन्फॉर्मेशन, कि पॉलिशिंग हम लोग अगर ग्रेफाइट से करवाएंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग पी ए बी एस ओ फोर और सी एस सी ओ थ्री से करवाएंगे तो क्या होगा, बी एस ओ फोर या सी एस सी ओ थ्री से पॉलिशिंग करने से या बी एस ओ फोर सी एस सी ओ थ्री को यूज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कम क्यों जाता है, या फिर एल्काइन जो होता है वो एल्कीन में ही क्यों कन्वर्ट होता है, एल्केन हम लोगों को क्यों नहीं मिलता, समझ गए सर यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है, क्लियर है, आया ना, चलिए अभी हम लोग बातें करेंगे, अगर हम लोगों के पास में कोई कॉन्जुगेटेड डाइन है, अगर हम लोग रिडक्शन करवाते हैं किसका, हम लोग हाइड्रोजनेशन किसका करवाते हैं बेटा, अगर हम लोगों के पास में क्या है कॉन्जुगेटेड डाइन है उसका हम लोग करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हम लोगों के पास में क्या है कोई भी एक कॉन्जुगेटेड डाइन
कॉन्जुगेटेड डाइईन का हम लोग हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो कैसा होता है, ठीक है? देखो, मान लो तुम्हारे पास में ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक से समझना, ठीक है? आप लोगों ने क्या किया, इसमें H2 ऐड किया, किसकी वजह से बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, क्या ऐड किया गया, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है ना? तो रिएक्शन बहुत आसान है, आसान कैसे, कितना डबल बॉन्ड है बेटा, दो, तो H2 कितना यूज कर लो, दो H2 यूज कर लो, यहाँ यहाँ ऐड करवा दो, और ऐसे ही यहाँ पे H2 को, एक H2 को यहाँ यहाँ ऐड करवा दो, ऐसा ऐसा ऐड करने से तुम्हें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यू विल गेट CH3, CH2, CH2, CH3, एल्केन मिलना है, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर तुमसे यहाँ पे H2 कितना यूज किया गया बेटा, जितना हम लोगों को चाहिए, 2 मोल्स ऑफ H2 यूज किया गया, अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा हम लोग ऐड करते हैं, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर तुमसे बोले कि इस रिएक्शन में H2 तुम लोगों को ऐड करना है कितना, 1 इक्विवेलेंट, कितना ऐड करना है बेटा, 1 इक्विवेलेंट H2 ऐड करना है, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 1 इक्विवेलेंट H2 ऐड करने का मतलब तो एक ही बॉन्ड को रिड्यूस करा सके, ऐसा आपको H2 ऐड करना है, एक ही बॉन्ड को वो तोड़ सके, एक ही बॉन्ड को रिड्यूस करा सके, ऐसा तुम लोगों को ऐड करना है, तो बता सकते हैं बेटा कितना मिलेगा, क्या होगा, एक को तोड़ने की बात कर रहे हो, यस सर, नो सर, किसको तोड़ने की बात कर रहे हो, एक को तोड़ने की बात कर रहे हो, देखिए जरा, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को मिलता है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, क्या मिलता है, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री मिलता है। अब क्यों मिलता है उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है सर? देखो, हम लोगों के पास में ये मेटल सर्फेस है, लिखो मत सिर्फ सुनो, अभी एक कैच इधर तुम लोगों के पास में है और एक कैच इधर है, ठीक है सर? तुम लोगों ने क्या ऐड किया है बेटा, तुम लोगों ने ऐड किया सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ऐसे एक ही इक्विवेलेंट एच टू ना, दो एच होंगे ना उसके पास में, हाँ सर ना सर, अरे दो एच तो ऐड कर रहे हो, ठीक है बेटा? इसके साथ में क्या करता है, जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा, समझना ठीक से, ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनता है, देखो इसने इसके साथ में बॉन्ड बनाया, ये पार्शियल हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, ये पार्शियल होता है, ये पार्शियल और ये पार्शियल, जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वो समझ में आ रहा है? यस सर। कितने मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट है? सिक्स। कितने में? ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा तो क्या बना, यहाँ पे सिक्स मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है सर? जब ये निकलेगा तो ये वाला एच यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस वाले कार्बन पे, ये वाला एच इस पे ऐड हो जाएगा, ये जाएगा, यस सर नो सर, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐड नहीं हो रहा ना, तो तुम लोगों को मिलेगा क्या, यू विल गेट ये वाला जो ऊपर मैंने प्रोडक्ट लिखा, ये आप लोगों को मिला सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है ना? तो आपको ये समझना है कि जब हम लोग कॉन्जुगेटेड डाइईन पे रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोगों को जो डबल बॉन्ड होगा वो इन बिटवीन शिफ्ट हो जाएगा, बिटवीन शिफ्ट होने से जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो मोर स्टेबल मिलेगा, क्योंकि ये वाला एल्कीन और जो तुम एल्कीन बोल रहे हो उन दोनों एल्कीन में कौन सा वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, एक तुम्हारा ये बनाया, एक एल्कीन तुम बोल रहे हो कि ये बना दो सर सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, कौन सा ज्यादा स्टेबल है बताइए सर? क्योंकि इसके पास अल्फा एच कितना है, छह है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, दूसरे वाले अल्फा एच तो सिर्फ दो ही है, दो ही है तो इसलिए कम हुआ सर, इसके पास में अल्फा एच कितना है, सिर्फ दो है, तो कॉन्जुगेटेड कैसा होगा बेटा, कॉन्जुगेटेड होगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड आर, ऐसा ही कुछ होगा ना? जब इसमें तुम लोगों को एक इक्विवेलेंट एच टू ऐड करके प्रोडक्ट पूछे तो क्या होगा बेटा, हम लोगों को मिलेगा आर वन सी एच टू, ये वाला बॉन्ड जो होगा वो कैसा होगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ
यस सर नो सर यस सर क्योंकि सिक्स मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो बीच में शिफ्ट हो जाता है प्रोडक्ट बनाने में सर किसी को कोई समस्या नहीं आएगी सिमेट्रिकल बनेगा क्या बनेगा सिमेट्रिकल बनेगा क्या सिमेट्रिकल जो कंपाउंड बनेगा सिमेट्रिकल बनेगा सिमेट्रिकल बनेगा इसका मतलब क्या हुआ इसमें आ रहा है तो सर मतलब इसमें खाली इवन नंबर बनेगा कि ऑड भी बन सकता है क्या बनेगा बेटा इवन नंबर ऑड नंबर ये बताओ प्रोडक्ट बोलो जितना जैसा रिएक्टेंट होगा ऐसे ही बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट कितना है मान लो तुम लोगों ने ये R1 लिया कितना ये तो तुम्हारे पास ठीक है चार है तुमने लिया यहाँ एक यहाँ लिया दो तो तीन मिला के सात हो गया कितना भी आ सकता है इधर उधर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है दूसरा ये सोचो इन पूरे रिएक्शंस में सबसे पहले कि जो एच होगा वो फ्रॉम सेम साइड ऐड होता है ये सर नो अरे हाँ या ना यहाँ पे सोच के देखो कि ये वाला सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच ठीक से सुनना बेटा ये वाला जो एच जाके ऐड हो रहा है वो इधर से जाके ऐड हो रहा है आया ना मेरा हाँ ना तो बोलो पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो ठीक से नीचे जाके ऐड हो रहा है एच भी इधर से जाके ऐड हो रहा है ऐसा तो नहीं अपोजिट साइड से आ रहा हो साइड से जाके ऐड होता है क्या अपोजिट से सेम से जाके ऐड होता है एल्काइन भी होगा तो भी सेम होगा ऐसा ही यस सर है ना तो मान के चलो ये वाला एच इधर से जाके ऐड हुआ दूसरा एच इधर से जाके ऐड हुआ ये आर ऐसा ही कुछ बनेगा ना यस सर सिमिलरली अगर तुम्हारे पास में एल्काइन होता तुम्हारे पास में क्या होता एल्काइन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच तुम लोगों ने एच टू ऐड किया होता कितना बेटा एक ही इक्विवेलेंट एच टू ऐड करोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा ये सी एच टू डबल बॉन्ड चलो वेरी गुड यहाँ पे मैंने क्या किया होता इस एच को हटा के आर में लिख देता हूँ मैंने क्या किया होता मैंने लिया होता आर सी एच डबल बॉन्ड सी आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर अब क्या बनेगा बेटा ये बनेगा ना आर सी एच डबल बॉन्ड सी आर एच जो प्रोडक्ट होगा वो सिस होगा कि ट्रांस होगा तो इतना याद रखना कि हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा वाला मिलता है हमेशा ये क्वेश्चन एक बार पूछा है नेट में कि हम लोगों को सिस प्रोडक्ट मिलता है या ट्रांस मिलता है ठीक है ना जैसे यहाँ पे भी देखो हम लोग एक इक्विवेलेंट ऐड किए तो ये जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है ये सिस होगा कि ट्रांस होगा सी एस थ्री सी एस डबल बॉन्ड सी एस सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री सिस होगा ना है ना यस सर नो सर हम लोगों को क्या मिलता है हमेशा सिस प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है इसमें इतना भी याद रखना हम लोग हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो ये पूरा लिख लिया सब लोगों ने कोई ऐसा है जिसने लिखा सर नोट करना है अभी क्या कह रहे हो सर नोट करना है अभी कहाँ से नोट करना है लास्ट का थोड़ा सा सर यही वाला नोट करना है लास्ट वाला थोड़ा सा इसको करना जल्दी से कर लो नीचे कर दीजिए बट यही लास्ट है इसके नीचे कुछ नहीं है देख मना कर रहा है जाने से समझ गए सर यहाँ तक यस सर बड़े आगे देखो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किन्स रिएक्टिविटी की बात करेंगे कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन कम होता है ठीक है तो सबसे पहली बात ये होगा कि रिएक्टिविटी जो होगा वो कैसा होगा बेटा रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या स्टेबिलिटी है ना
रिएक्टिविटी कैसा होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी के। यस सर नो सर? यस सर। सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस। ट्रांस। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म में कौन ज्यादा स्टेबल होता है बेटा? तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। तो रिएक्टिव कौन ज्यादा होगा बेटा? रिएक्टिविटी किसका था बेटा? सिस विल बी मोर रिएक्टिव देन ट्रांस। यस सर। है ना, सिस फॉर्म का रिएक्टिविटी कैसा होता है बेटा? ट्रांस फॉर्म से ज्यादा होता है। हाँ या ना, समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। दूसरी बात ये होगा, जो रिएक्टिविटी होगा वो अल्फा एच अगर बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी घटेगा कि बढ़ेगा? रिएक्टिविटी इंक्रीजेस विद अल्फा एच। डिक्रीज। डिक्रीज की इंक्रीज। बोलो बीच में जो खाली थोड़ा उसको। डिक्रीज विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ अल्फा एच ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ बेटा? अल्फा एच अगर कम होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। अल्फा एच बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कैसा होगा? कम होगा। मैं तुमसे बोलूं, मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? पहला सबसे ज्यादा 3-2-1 के 1-2-3। ठीक है, सॉरी, वन इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे कम अल्फा एच के पास में, सबसे कम स्टेबल है। अरे अल्फा एच कम तो रिएक्टिविटी ज्यादा ना? यस सर। देखा तो रिएक्टिविटी ज्यादा मतलब अल्फा एच कम। इंक्रीज डिक्रीज का मतलब पता है तुम लोगों को? हां सर पता है। यस सर। अभी ऐसा उल्टा क्यों बोल रहे हो? समझ गए सर? यस सर समझ गए। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। क्लियर है सर? अब तुमसे पूछे एल्कीन और एल्काइन में कौन रिएक्टिव होगा? एल्कीन और एल्काइन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? एल्काइन। बिल्कुल, एल्काइन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन। More reactive than alkene, ठीक है ना? Due to high pi electron density. Yes or no? Alkene कैसा होता है? R CH double bond CH2. Alkyne कैसा होगा? R C triple bond CH. देखो इसमें सिर्फ एक ही साइड में pi electron cloud होगा ना? इसके दोनों साइड में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो रिएक्टिविटी का चांस किसका ज्यादा होगा? एल्काइन का ज्यादा चांस होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? यस सर। चलो अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, तुम्हें बताने हैं प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। माइक बंद कर लो सब लोग अपना।
तीन लिख लिया मोस्टर लिख लिया सर लिख लिया सबने। अब देखो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बट हर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से अच्छे तरीके से करना है तुम लोगों को तब जाके चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे भी सेम ही है H2 इक्विवेलेंट ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही हम लोग डाले बताइए बेटा इनमें बताइए सब में नौ तक कॉपी हो गया कर लिए सारे क्वेश्चंस यस सर बहुत जल्दी कर दिया बेटा तुमने फिर क्वेश्चंस नोट किए लिखे अभी लिखे हाँ ये बोलो ना लिख लिए सर तुम कर लिए सर आप ही तो बोल रहे थे नोट कर लिए कि नहीं नोट नहीं बेटा सॉल्व कर लिए बोलो हो गया सर। चलो इसका आंसर बताओ पहले वाले का किसको रिड्यूस करा है एल्कीन को क्या एल्काइन को एल्काइन को रिड्यूस करा देना यस तो ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा देखो चार कार्बन है ना यस सर तो चार कार्बन का तो ऐसे ही बनता है नीचे वाले बताओ बेटा वन इक्विवेलेंट कॉन्जुगेटेड डाइईन में क्या बनेगा बीच में आया है सर बीच में डबल बॉन्ड आता है तीसरे वाले में सर इसमें भी बीच में आएगा इसमें भी बीच में आ जाएगा सबको क्लियर है यस सर इसमें बेटा इसमें भी सेंटर में ही आएगा इसमें भी बीच में आ जाएगा नीचे वाले में ये नहीं आए कॉन्जुगेटेड है क्या ये यस सर कॉन्जुगेटेड नहीं है देखो यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह अल्फा अल्फा है यस सर नो सर अब कॉन्जुगेटेड नहीं है तो क्या करेंगे बेटा इन दोनों में से किसी एक को रिड्यूस कराया जाएगा
अब इन दोनों में से कौन सा रिड्यूस हो सकता है? देखो इसके लिए देखूं तो ये अल्फा है और ये अल्फा है, इसका अल्फा एच कितने होगा? चार। यस सर। इसके लिए देखोगे तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, चार और तीन अल्फा एच कितना हो जाएगा इसका? सात। यस सर। तो कौन रिएक्शन देगा? जिसके पास कम अल्फा एच है वही देगा ना? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बेटा ये रिएक्शन देगा, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये जैसा था ऐसे बचेगा, है ना? ये बनेगा प्रोडक्ट। यस सर। सिक्स्थ वाले में बताओ, सर चार मेंबर रिंग वाला रिड्यूस हो जाएगा। डबल बॉन्ड कहाँ पे ज्यादा अनस्टेबल है, चार मेंबर के रिंग में या छह मेंबर के रिंग में? चार मेंबर के। चार। सबको क्लियर है? यस सर। क्यों? एंगल स्ट्रेन ज्यादा, एंगल स्ट्रेन की वजह से ना। छह मेंबर में 120 होता है, चार में एंगल स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी कैसा होगा, कम होता जाएगा ना। तो बेटा कौन टूटेगा पहले? छह मेंबर का तो टूटेगा नहीं, चार का टूट जाएगा। छह का जैसा था ऐसे रहेगा, चार का कन्वर्ट होगा। सबको क्लियर है? यस सर। पीएम साहब समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं समझ? इसमें सेंटर में आ जाएगा, सेवंथ वाले में। सेवंथ वाले में सेंटर में आ जाएगा? यस सर। क्यों? अरुण नहीं है क्लास में? कहाँ चला गया है? इसमें क्या होगा बेटा? देखो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तीन अल्फा है तो सेंटर में तो आ नहीं सकता। कॉन्जुगेटेड थोड़ी है, कॉन्जुगेटेड होगा तो सेंटर में आएगा ना। अब कॉन्जुगेटेड नहीं है, आइसोलेटेड तो अल्फा एच काउंट करो, इसके पास अल्फा एच कितना है? दो आया ना। यस सर। इसके लिए अल्फा क्या है? ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसके पास अल्फा एच कितना है? तीन, तीन छह और दो आठ, आठ अल्फा एच। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कौन रिएक्शन करेगा बेटा? इसके पास ज्यादा अल्फा एच या कम अल्फा एच? जिसके पास कम अल्फा एच वो रिएक्शन करेगा, ज्यादा वाला नहीं करेगा। हाँ सर ना सर? हाँ सर। हाँ सर। इसके नीचे वाले में बताओ बेटा, एट्थ वाले में। एट्थ वाले में क्या होगा? अरे इसमें दोनों पे अल्फा एच सेम है, दोनों पे अल्फा एच सेम है, अल्फा एच से मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो दीवार में सर मारो आए समझ में आ जाए। बट ये वाला फॉर्म क्या है? ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। यस सर नो सर? यस सर। तो दोनों ही सिस बना दिए हमने। दोनों ही चीज बना दिए ना? यस सर। इसको हटा लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ लगा देते तो ट्रांस बन जाएगा। देखो बन गया। तो कौन रिएक्शन करेगा सिस ट्रांस में? से ट्रांस वाला रिड्यूस हो जाएगा। ट्रांस इज मोर रिएक्टिव देन सिस फॉर्म? नहीं सर, सिस इज मोर रिएक्टिव। तुम कह रहे हो तो ट्रांस वाला रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। सिस इज मोर रिएक्टिव देन ट्रांस, तो सिस को रिड्यूस करा दोगे, ट्रांस को ऐसे छोड़ दोगे। आया ना? यस सर। कितने मेंबर का रिंग है ये? 10। 10 का। तो तुम्हें पता था कि सिस, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, समझना ठीक से, इसलिए बोलते हैं पढ़ना बहुत जरूरी है, है ना? सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, यस और नो? या ट्रांस, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ये था ना जनरल स्टेटमेंट? यस सर। फिर तुम लोगों को बोला था कि अगर कार्बन 7 से 12 है तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। यस सर।
अगर कार्बन कैसा है बेटा, कार्बन कैसा है 12 से ज्यादा है, 12 नहीं 7 से 12 के बीच में, 12 से छोटा होना चाहिए, 7 से 11 में लिख देता हूँ। इसी 12 कार्बन होगा तो फिर से क्या होता है, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो यहाँ पे कौन सा रिड्यूस होगा, सिस के ट्रांस मोर स्टेबल कौन है, सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, इसलिए आप लोग किसको रिड्यूस कराओगे बेटा, आप लोग ट्रांस को रिड्यूस कराओगे, सिस को ऐसे रखोगे, ये बनेगा। 12 कार्बन पे जाके कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। ये कौन सा वाला फॉर्म है ट्रांस, ये कौन सा वाला फॉर्म है सिस, आप किसको रिड्यूस कराएंगे बेटा, यहाँ पे आओ, सिस को कराएंगे या ट्रांस को कराएंगे, जिसको ट्रांस को सेम रखेंगे। आंसर लिख लो सारे के सारे, कॉपी हो गया यहाँ तक सर, समझ आ रहा है सबको, एक बार फिर से लिख लेना ये तुम लोग, एक अभी तो और भूलोगे तुम, तुम्हें कहाँ ऐसे समझ में आता है इतना आसानी से, तो पीछे 10-15 बार नहीं लिखेगा तुम लोग, भूलते रहोगे भूलते रहोगे। चलिए सर, इसके आगे लिखोगे कौन सा वाले तरीके से बनाए बताओ। नेक्स्ट लिखो बेटा अजाइन रिडक्शन, नेक्स्ट लिखोगे अजाइन रिडक्शन, ठीक है ना। अजाइन रिडक्शन होता है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कीन एंड एल्काइन इंटू एल्के, ठीक है बेटा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस कर सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस कर सकता है। रिएक्शन तो बहुत आसान सा होता है, मैं पहले रिएक्शन करना सिखाऊंगा फिर प्रोडक्ट लिखना सिखाऊंगा, ठीक है ना। मतलब पहले रिएक्शन करना सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं, फिर मैं बताऊंगा मैकेनिज्म क्या है, कैसे रिएक्शन हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, N2H4 और साथ में H2O2 यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, N2H4 along with H2O2 इस रिएक्शन में यूज किया जाता है। दीज आर द रिएजेंट्स यूज इन दिस रिएक्शन, ठीक है ना, इनको हम लोग यूज करते हैं। किसको किसको, N2H4 को, साथ में क्या होगा हम लोगों के पास में H2O2 एज अ रिएजेंट, ठीक है, क्लियर है सर। हम लोगों के पास मान लो क्या है, CH2 double bond CH2, हम लोगों के पास में क्या है CH triple bond CH। तुम लोगों ने क्या यूज कर दिया बेटा, N2H4। हमारे में क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने क्या यूज कर दिया, N2H4 along with H2O2। तो ये क्या बन जाएगा हम लोगों के पास, CH3 CH3। सेम रीजन तुम लोगों ने यहाँ यूज किया, तुम लोगों को क्या मिलेगा बेटा, CH3 CH3, वही सेम लोगों को मिला, कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, लिख लिया यहाँ तक, यस सर, नहीं सर, चलिए चलिए लिखो। तो तुम्हारी आज एक क्लास भी है ना, तुम्हें कैसे पढ़ना है 20 दिन तक, यस सर, इस चीज पे 6 बजे तो कौन लेगा, हम लेंगे बेटा सब, है ना, बेसिकली आकाश सर ही बोलेंगे। हो गया इतना, और मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कौन बोलने वाला है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो फिर भी नहीं पढ़ना है, है ना। तुम्हारे लिए क्या पढ़ना है, क्या नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया है, तुम्हें कोई कितना ही धक्का दे ले तुम लोग फिर भी नहीं पढ़ोगे। स्पॉन्टेनियस तो है ही नहीं, अपने आप से तो तुम पढ़ नहीं सकते, तो सब बोलने से ही पढ़ते नहीं हो, ऐसे चलता है ना सब कुछ, जो भी होगा देखा जाएगा, सब ऐसा चल रहा है तुम्हारे लिए।
बेटा मेरे पास में क्या होता सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच था, मैं क्या किया होता इसमें एन टू एच फोर एच टू ओ टू कितना यूज किया बेटा, वन इक्विवेलेंट कितना यूज किया होता, वन इक्विवेलेंट, तो आपको क्या मिलेगा बेटा यू गेट सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू अगर एक ही इक्विवेलेंट यूज करोगे तो आपको एल्कीन मिलता है। ठीक है, आपके पास में ऐसा कुछ है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, आप लोगों ने क्या यूज किया बेटा एन टू एच फोर एच टू ओ टू, क्या मिलेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू डबल बॉन्ड, आपने यूज किया बेटा एन टू एच फोर अलॉन्ग विद क्या एच टू ओ टू, कितना वन इक्विवेलेंट, तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा बेटा डबल बॉन्ड सी एच। ठीक है बेटा, ये जो रिएक्शन होता है दिस रिएक्शन ऑलवेज फॉलोज, दिस रिएक्शन ऑलवेज फॉलोज फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसमें कोई सिक्स मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता है, तो कॉन्जुगेटेड हो आइसोलेटेड हो एक डबल बॉन्ड हो सबको एक ही तरीके से डील करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कोई समस्या तो नहीं है सर यहां तक समझने में कुछ भी तुम लोगों को, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दो। ठीक है, रिएक्शन कैसे होता है उसको समझो, हम लोगों के पास में कौन है बेटा एच टू ओ टू, किस में कन्वर्ट होता है एच टू ओ प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, क्या देगा एच टू ओ देगा साथ में नेसेंट ऑक्सीजन। जो हम लोगों के पास एन टू एच फोर था बेटा एन टू एच फोर, वो क्या करता है इस नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनता है क्या एन टू एच टू प्लस वाटर निकल जाता है। ठीक है ना, N2H2 is N double bond N lone pair HH, हाँ सर बंद कर रहा हूँ। ठीक है ना, lone pair HH ऐसा रहता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो आप लोगों के पास में कोई भी एक alkene है कैसा होगा CH double bond CH R R या R1 या R2। ठीक है, अरे यस सर नो सर, इससे कौन अटैक करता है बेटा N डबल बॉन्ड N लॉन पेयर, ठीक है ना, समझा मैंने क्या बोला, एक H ये वाला बॉन्ड टूटता है ट्रांजिशन स्टेट में बना रहा हूँ, एक H ऐसे कुछ जोड़ा होता है, एक H ऐसे कुछ जोड़ा होता है, ये वाला बॉन्ड ऐसा कुछ बना, ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कितने मेंबर का बना फोर मेंबर, मैं गलत लिख दिया, कितना बना सिक्स मेंबर का बनता है ना, फोर का तो नहीं बना बेटा छह का बना, तो सिक्स मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट लिखो फिर। ठीक है ना, कितना बना छह मेंबर का बना ना ये, अरे एक दो तीन चार पांच छह, ऑलरेडी कितना बन रहा है छह मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन ही गया। ठीक है ना, तो क्या बन रहा है इसमें सिक्स मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या मिलेगा हम लोगों को आर सी एच टू CH2R, ये R1 है ये R2 है प्लस कौन सा वाला गैस निकल जाता है बेटा N2। क्लियर हुआ, कोई समस्या नहीं है। इस प्रोसेस से हम लोग C डबल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड N या फिर O डबल बॉन्ड O इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास क्या होगा बेटा लॉन पेयर होगा, आया ना, इनके पास लॉन पेयर और N डबल बॉन्ड N के पास में क्या होता है बेटा लॉन पेयर, इनके बीच में क्या होता है रिपल्शन, है ना, तो जो अजाइन होता है उसके लॉन पेयर और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के लॉन पेयर के बीच में रिपल्शन की वजह से इट कैन नॉट प्रोड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मान लो तुम अजाइन रिडक्शन करवाना पड़े, तुम लोगों को क्या करना पड़े अजाइन रिडक्शन करवाना पड़े, तुमसे बोले ये सी एच ओ, तुम लोगों ने इसमें एन टू एच फोर डाल दिया अलॉन्ग विद एच टू ओ टू, तो क्या बनेगा, तो तुम यहाँ पे तो सी डबल बॉन्ड ओ होगा ना, है ना, तो तुम इस वाले बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कराओगे,
सिर्फ ये वाला बॉन्ड रिड्यूस होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, CH3CH टू CH2 सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। क्लियर है कहानी यहाँ तक का? Yes, तो अजाइन रिडक्शन क्या होता है, N2 हम लोग क्या करते हैं निकल वगैरह की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कैसे करवाते हैं, ये सारी कहानी क्लियर है तुम लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है सबको समझने में? लिख लो जल्दी से सबको, कहाँ से लिखना है तुम्हें? स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से और फिर मीटिंग ज्वाइन कर लो दूसरी वाली। दूसरी वाली ऊपर करिए।